ओम शांति, ओम शांति। मैं बताता हूं साइलेंस की शक्ति से अपने संस्कार स्वभाव कैसे परिवर्तन होना चाहिए, उसकी विधि चाहिए, उसको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तपस्या करें। क्योंकि आत्मा के अंदर संस्कार है, उसने बाबा ने कहा स्व परिवर्तन, फिर दूसरों की वृत्ति को परिवर्तन, इसलिए बाबा ने विधि बनाया बच्चे दृष्टि दे दो। ये दृष्टि का महत्व है, दृष्टि देने की विधि है। दृष्टि देने से क्या मिलेगा, देखने से क्या मिलेगा, उसकी विधि है। चौथा है कि वातावरण को भी आप परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन इन तीनों के लिए एक विधि चाहिए। एक पहले स्वयं को परिवर्तन करना चाहते हो तो उसके लिए चाहे जब भी सवेरे और शाम, अमृत वेले 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त है, शाम को 6:30 से 7:30 सूर्य अस्त होने के बाद सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य अस्त होते समय तो 6:30 से 7:30 ऐसे समय पर सृष्टि के अंदर वाक्य एक ऐसा वातावरण बन जाता है, उस समय पर बैठ के हमें तपस्या करनी चाहिए। कैसे, तो बाबा ने सहज विधि बताई, आत्मा समझ मुझे याद कर, आत्मा समझ मेरे से बात कर। अभी माताजी तो दिखाई देती मुझको, तो माताजी को कैसे समझो, मैं कैसे समझो, माताजी दिखाई देती है और क्या समझना चाहिए। हाँ, माताजी को पूछता, माताजी आपका नाम, आप कहां से आए हो, आप क्या करते हो, अभी माताजी कौन है समझ में आया। ऐसे भी यहां में से मैं आत्माओं को पता है, कौन सी आत्मा हो आप, पाप आत्मा हो वो आप जानते हैं, मेरे द्वारा क्या क्या कर्म मैंने किया हुआ है हर एक अपने आप को जानता है, तो बैठ के पूछ लो तो मैं कौन सी आत्मा हूं, पाप आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, देव आत्मा हूं, दैवी गुण है, महात्मा हूं, महान आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, कौन सी आत्मा, अपने आप से पूछ लो। उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जान लो, मैं कौन, कौन सी आत्मा हूं, मेरे अंदर क्या भरा हुआ, हर एक जानता है अपने कर्म, हर एक जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। तो इसमें अपने आप से बैठ के आराम से एकांत में, भट्टी इसमें कहते हैं आराम से, समय है 1-2 घंटा 5 मिनट 10 मिनट नहीं, संगठित रूप में अच्छे वातावरण में, तो बैठ कर अपने आप से पूछो मैं कौन सी आत्मा, मैंने कौन से कर्म किया। हाँ, इस जन्म के बचपन से अब तक आप जानते हो, लेकिन इससे पहले जन्मों में भी वो स्वप्नों में आते हैं। जब मैं रात को सोता हूं किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, किस प्रकार के कर्म अंदर भरे हुए हैं वो दिखाई देते हैं, मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं, ये हम जानते हैं हरेक व्यक्ति। तो हरेक को अपने आप को बैठकर पूछो मैं कौन सी आत्मा, सत्युग की आत्मा हूं, त्रेता युग में आने वाली हूं, द्वापर में आने वाली हूं, कलयुग में आने वाली हूं। बाबा ने कहा मुक्ति का भी वर्षा मैं देता हूं, जीवन मुक्ति का भी देता हूं, तो कौन सा वर्षा लेने वाला बच्चा हूं मैं, पूछो। दूसरा पूछो, अगर मैं आत्मा ऐसी हूं तो मेरा रूप कैसा है, आत्मा के अंदर भी प्रकाश के अंदर भी अलग अलग कलर है, काली आत्मा, लाल वाली, ग्रीन वाली, सफेद, अगर स्वच्छ है सफेद चमकता हुआ सितारा हूं मैं कौन सी आत्मा, अपने आप को देख लो, पूछ लो मैं कौन सी हूं, मैं सफेद आत्मा स्वच्छ चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु। तीसरा पूछो मेरे गुण कौन से है, अभी भी मेरे अंदर क्रोध के संस्कार है, क्रोध करने वाली मैं आत्मा हूं, दैवी गुण पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, मेरे जीवन में अभी भी दुख है, सुख नहीं है, कारण दैवी गुण का और आसुरी गुण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार है, तो अभी
कौन सी आत्मा हो गया मैं? आसुरी संप्रदाय वाली। अगर मैं दैवी संप्रदाय वाली दैवी आत्मा हूं, दैवी गुण है, सात गुण है, एक एक गुण पूछ लो क्या मेरे अंदर एक गुण है। औरों को बताना सबसे सहज है, मुखड़ा देख ले प्राणी, यहां बैठे बैठे अपनी रिसर्च करो, अपने आप को देख लो कि मेरे अंदर कौन से गुण है। अगर कोई ये गुण ठीक नहीं है, आज के बाद ये गुण का उपयोग नहीं करना चाहिए, मेरा नहीं, मुझे ये गुण ईश्वरीय गुण दैवी गुण धारण करना, ये नहीं करना चाहिए। ये बैठ के अपने आप को पढ़ाओ, समझाओ। आपको बाबा सबको ज्ञान सुनाता, आपको भी मुझे भी सुनना, सब कुछ नहीं, सुनने के बाद अपने आप को बैठ के पढ़ाना पड़ता है। जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चे घर में जाके होमवर्क करते हैं, जो पढ़ा हो जाके होमवर्क करते हैं, यहां भी जो बाबा ने ज्ञान सुनाया बैठ के अपने आप को पढ़ाओ। चौथा, मेरे कर्म मैं क्या करता हूं, इन आंखों से देखता हूं, मुंह से बोलता हूं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मुझे अभी इस शरीर से कोई काम नहीं, तो मैं क्यों बैठा हूं शिव बाबा को याद करने के। शिव बाबा कहां है? सूर चांद सितारों से परम धाम में है, कुछ दिखाई नहीं देगा, आराम से इधर देखते बैठो, कौन आया कौन गए इधर उधर नहीं देखना, एक जगह देखते रहो और अपने आप से पूछो मैं कहां से आया, परम धाम से आया। परम धाम में कौन है? सर्वशक्तिमान शिव बाबा है। देखो आपके विचार कैसे जाते हैं, जैसे मोबाइल में नंबर डायल कर दिया आपने, आपका वाइब्रेशन आवाज यहां से अमेरिका गया, सिर्फ यहां आपने नंबर घुमाया तो कैसे गया? ऐसे यहां भी सेम विधि है, यहां भी बैठकर आप आत्मचिंतन करो, आत्मा के प्रति सोचो, मैं कौन, मेरा रूप क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरे मैं क्या करता हूं शरीर में बैठकर, मैं कहां से आया, आत्मा चिंतन करो। तो आत्मा के विचार, आत्मा लाइट है, हल्की है, तो आत्मा के विचार परमात्मा भी आत्मा ही है, तो आत्मा के विचार वो खींचता है। जैसे भी यहां आप नंबर जब डायल करते हो मोबाइल के अंदर, तो आपका आवाज वहां टावर है वो खींचता है, अगर वो टावर नहीं है तो ये आपके आवाज वहां नहीं जाता। तो यहां भी जब आप बैठ के ऐसे विचार आत्मचिंतन नहीं किया, शरीर का आवाज ऊपर नहीं जाएगा, शरीरधारी बैठ के इधर बैठेंगे आपके आवाज ऊपर नहीं जाएंगे, आत्मचिंतन चाहिए। तो आत्मचिंतन के बाद परमात्मा चिंतन, शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर। शिव बाबा किसमें पवित्र है? शरीर तो है नहीं, किसमें पवित्र है सोचो, शरीर नहीं, हां बाबा के मन में कोई देह देहधारी का विचार नहीं, बाबा के बुद्धि में किसी देह देहधारी का चित्र नहीं है, मन बुद्धि स्वच्छ है। मैं भी उसी बाप का बच्चा, मैं भी परम धाम में था। बाबा आप सबको सुख देते हो, बाबा आप सबको शांति की शक्ति देते हो, तो बाबा से बात करते रहो, बाबा के आंख शक्ति। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता, सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता, आठ शक्ति, एक एक शक्ति लेकर चिंतन करो। जैसे आपने नंबर यहां होने के बाद डायल होता है, आवाज आता है, फिर उनसे आप बात करते हो, दिखाई नहीं देता, यहां भी, यहां भी नंबर की आत्मा का चिंतन किया, बाबा से बात करो, तो क्या बात करो वो बताया, सिर्फ शक्तियों के ऊपर बात करो और कुछ नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। अगर उससे बात करते रहते हो तो उसकी शक्ति से आप जुड़ गए, अभी उस शक्ति को, हां बाबा मेरे अंदर मैं आत्मा, आत्मा के अंदर ये क्रोध का संस्कार है, आपकी शांति की शक्ति से ये क्रोध का संस्कार मिट रहा, ये मेरा नहीं। शक्ति का प्रयोग अपने संस्कार पर करो,
तो ये पहले स्वयं को परिवर्तन करना चाहते हो, जो मेरे अंदर गलत संस्कार है कि बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, डॉक्टर ने भी कहा ये दवाई सवेरे खाली पेट लेना चाहिए, ये खाने के बाद देना चाहिए, वहां भी विधि है यहां भी विधि है। तो ये शक्ति का प्रयोग संस्कार अपने परिवर्तन के लेकर, स्व परिवर्तन,